इसके अंदर हमाम वाला पार्ट है, बट यहाँ पे एक काइंड ऑफ सैलून भी है। तो पहले आप बाल भी कटवा सकते हो, बाल कटवाने के बाद जाके नहा वगैरह सकते हो। मतलब चलो थोड़े में दाढ़ी और बाल बनाता हूँ, बाल साइड साइड थोड़ा कटवाऊँगा और थोड़ा दाढ़ी बनाऊँगा, ये मेरा आज का काम है। पहले बाल कटवाता हूँ। चलो भाई कौन काट रहा है बाल? ये बैठ गया मैं भाई। चलो इसी बहाने आज बाल भी कटवा लिया। लास्ट टाइम मैंने बाल कटवाया था भाई, वो सीरिया में कटवाया था। सीरिया में जब मैं गया था वहाँ घूमने, वहाँ पर कटवाया था भाई। वापस से बाल मेरा काटा जा रहा है और थोड़ी दाढ़ी को बनाया जाएगा, बट थोड़ी दाढ़ी को बढ़ा ही रखूँगा क्योंकि लोग कहते हैं कि अच्छा है, बेटर है अफगानिस्तान में कि दाढ़ी थोड़ा बढ़ा रहे। इन्होंने तालिबान वगैरह दाढ़ी रखने के लिए चाहते हैं। और ट्रेडिशनल हैट वगैरह भी अब ले लूँगा, तो पूरा लोकल बनूंगा, लोकल ही बनूंगा और कभी कुछ बोलूंगा ही नहीं जब तक कि मुझे बोलने की बारी नहीं आई। जब तक उन्हें पूछे कि ये कौन है, तब तक बोलना नहीं है कि मैं इंडिया से हूँ। अगर पूछ लिया उन्होंने तो ठीक है, इंडिया से हूँ, घूमने आया हूँ। अगर नहीं पूछा तो सिर्फ मैं घूमता हूँ, ये मेरा प्लान है। ये देखो यहाँ पे सारे बाल कटवा रहे हैं, मैं भी यहाँ बाल कटवा रहा हूँ। कुछ बार ऐसा दिख रहा है नज़ारा, तो फटाफट बाल कटवाते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई बाल अभी तक कटा ही जा रहा है। इस भाई साहब से पूछा कि तुम्हारी एज कितनी है, तो ये 14 साल के हैं, परंतु ये पिछले 5 सालों से बाल काट रहे हैं, उनके पास 5 सालों का तजुर्बा है। तो अच्छा है, मैंने कहा चलो ठीक है, आपको ऐसा ही लगे बाल काटो तो ये बाल काटा जा रहा है। सस्ता है भाई यहाँ पे, मतलब 50 रुपये में आप बाल कटवा सकते हो। सस्ता है कंपेयर टू मैनी कंट्रीज, यू नो। पता नहीं टीवी में क्या चल रहा है, टीवी तो कुछ चल नहीं रहा था। बस ये बाहर बैठ के बाल कटवा रहा हूँ, ऐसे देखो पूरा आपको पूरा व्यू दिखेगा। ये फराद भाई कैसा रहा आपका? अस्सलाम वालेकुम। आपका जर्नी आज कैसा रहा, ठीक रहा? बहुत अच्छा है, अभी तो फर्स्ट क्लास को। फर्स्ट क्लास है। आपने यहाँ पे हमाम ले लिया? हाँ, ठीक हो गया। आप ठीक हो गया हो? और अपना कमीज भी पहन लूं, बहुत सॉल्व होता है मेरा सब प्रॉब्लम। अच्छा सॉल्व हो गया। ये कल पूरी दिन गाड़ी चला के आ रहे हैं, इसलिए थोड़े थक गए थे। पानी थोड़ा बाद में पी लेता हूँ भाई। स्प्रिट डाला यार, अच्छा लड़ने लगा। थोड़ा मैंने दाढ़ी थोड़ी बड़ी रखी क्योंकि तालिबान को अच्छा लगता है जब आप दाढ़ी वाड़ी बड़े रखते हो। अरे ने बाद में सुई धागा यूज किया यार, वो ऐसे कर करके काफ़ी दर्द करता है यार। मैंने आज तक कभी नहीं किया था, पहली बार मैंने नहीं किया, बट पहला एक्सपीरियंस सब कुछ होता है। धागा से मुझे काफ़ी दर्द करने लगा मुझे फिर, मतलब कैसे करके धागा नहीं यूज करते हैं। मैंने सिर्फ अपनी मम्मी लोगों को यूज़ करते देखा था आईब्रो वगैरह बनाने के लिए, उन्होंने मेरा आईब्रो वगैरह सब बना दिया। कभी आज तक मैंने नहीं बनवाया था, बट चलो इंडिया में तो बहुत ही कम यूज़ करते हैं ये सब चीज़ें अब। हाँ तो भाई साहब काफ़ी सारे प्रोसेस के बाद मेरा काम हो चुका है और ये कुछ नया लुक है। ठीक है, दाढ़ी थोड़ा उन्होंने बढ़ाई रख दिया। ठीक है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये यहीं पे हम लोग हमाम, यहाँ पे मुर्गा ही बिक रहा है भाई, काइंड ऑफ तरह हमाम दिखता है अगर आप देखोगे तो। बाल कटने का भी, नहाने का भी, ये सब कुछ यहाँ पे जरिया है। कुछ और लोग भाई साहब बाल कटवा रहे थे, ये ऐसा काइंड ऑफ दिखता है जहाँ पे बाल कटवा रहे थे। यहाँ पे भी गाना चल रहा था, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अब मैं शैम्पू लेता हूँ और कंडीशनर लेता हूँ, बाल को जाकर धुलवाता हूँ। अच्छा अच्छा, ये दादा पता भी यहाँ पे सारे लोग पहले जब आओगे तो आपसे ये पूछेंगे कि कहाँ से हो। पाकिस्तान से? मैंने कहेगा नहीं पाकिस्तान से नहीं, हिंदुस्तान से हूँ। तो फिर बोलेंगे अच्छा अच्छा, तुम तो मेरे दोस्त हो। मैंने कहा पाकिस्तान फिर दुश्मन है क्या? बोलता यहाँ पे बहुत नॉर्मल है, यहाँ पे सब बोलते हैं पाकिस्तान दुश्मन है। कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे थे कि तुम्हारी जितनी इंडिया जितना दुश्मन पाकिस्तान का नहीं, बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान पाकिस्तान का है, ऐसा काफ़ी लोग बोलते हैं यहाँ पे, मैंने सुना है। तो चलो मैं जाता हूँ हमाम लेने के लिए, फिर आपसे बात करता हूँ। भाई ये दादा को बिल्कुल पसंद नहीं है पाकिस्तान। दादा पाकिस्तान आपको अच्छा नहीं लगता? नो अच्छा। नो अच्छा, अभी कैमरा के सामने नहीं बोल रहे, वरना बहुत कम बोल रहे थे। चलो मैं जाता हूँ अब हमाम में, हमाम इस तरफ है। अब वहाँ पे गर्म पानी भी है ना भाई जान? और मैंने दो शैम्पू भी ले लिया, एक साबुन ले लिया, ये भी सब कुछ मिल जाता है भाई। तो जाके अब जाते हैं शावर, थोड़ा नहा के आते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो मतलब काइंड ऑफ शावर ही हो गया, लेकिन खुला शावर है। सही है, यहाँ से ले लो,
नाना किसमें है यार, पार्टी तो नहीं दे रखा। अच्छा इसमें नाना है क्या, जिससे नहाना है मेरे हिसाब से शायद, तो फिर डायरेक्टली अपने वहीं पे नहा लो। बाल्टी नहीं दे रखा है क्या, मैं बाल्टी देखता हूँ, बाल्टी मिल जाए तो भाई चलता हूँ यहाँ से, बाय बाय खुदा हाफिज। तो हो गया भाई सब, बाल साल कटवा लिया, ये देखो एकदम लोकल ड्रेस में एकदम, और कितना फ्रेश फील कर रहा हूँ। सुबह सुबह सो के उठा हूँ, और सो के उठने के बाद ये बाल वगैरह कटवा के दाढ़ी वगैरह बनवा के अब चल रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं खाना खाने के लिए? एक बहुत अच्छा इधर खाना है, उधर जाएंगे। ठीक है चलो, बहुत मजेदार लोकल खाना खाएंगे। अफगानी ना? अफगानी, हाँ अफगानी। ठीक है, पता नहीं यहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट होगा कि नहीं, और किसी दिन होगा तो चलेंगे, चलेंगे आज नहीं मतलब कभी बाद में खाएंगे। ठीक है ठीक, एक बार मैं इंडियन खाना हर देश का खाता हूँ, हालांकि अफगानी खाना और इंडियन खाने में मुझे मतलब बराबर ही लगता है, मतलब मैं अफगानी खा के भी रहूँ कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है भाई यहाँ का खाना भी, रियली अमेजिंग खाना यहाँ का भी है। थोड़ा थिंग ये बढ़ाया जा रहा है, हवा भर रहे हैं इसमें। कल ये लोग चला के आए भाई दिन भर गाड़ी, मतलब कल ये लोग सुबह 5 बजे निकले थे और रात के 9 बजे पहुंचे हैं ये काबुल। रोड बहुत ही खराब थी भाई ना, और कुछ आपका फट गया था ना? यस, गाड़ी भी खराब हो गई थी भाई इन लोगों की, पर ठीक है। बहुत खराब था, बहुत खराब था। अरे आपको बताना ही भूल गया, आपका फोन ले लिया उन्होंने ना? ओह यस, फोन में जाकर लेना है के लिए भाई। इन लोगों के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, तो जब पैसे नहीं थे तो फिर गाड़ी खराब हो गई, तो फिर गाड़ी खराब होने के बाद वो गाड़ी ठीक किया, फिर बोला पैसे तो नहीं है उन्होंने, इसलिए फोन ले लिया, बोला पैसे लेके आओ तो फिर फोन देंगे। अब इनको जाना पड़ेगा 6-7 घंटे का रास्ता है यहाँ से, चार दिन तक वो रखेगा, उसके बाद वापस नहीं करेगा। अच्छा कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसका। ये काबुल की ट्रैफिक भाई साहब कुछ ज्यादा ही है, ये गाना आपको भी आता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझको एक ऐसा फील देता है कि अभी मेरा वतन भी ऐसा हाल है। ऐसा हाल है मैं समझ सकती हूँ कि क्या सही बात है भाई। ये बच्चा नजर उतार रहा है हमारी, कितने साल के हो तुम? 10-11 साल का लग रहा है, लग तो रहा है 5 साल का बच्चा। लो पैसे ले लो, ठीक है। तो भाई एक लोकल रेस्टोरेंट आ गए थे यहाँ पर, काबुली पुलाव मिल रहा है, साथ में साथ कुंदुज का कबाब मिल रहा है। ये कुंदुज रेस्टोरेंट है, कुंदुज एक प्रोविंस है अफगानिस्तान का, और भाई अफगानिस्तान में एक नॉर्मल है जब आप आओगे तो आपको चाय देंगे, ग्रीन टी पीते हैं यहाँ पे लोग, बहुत ही कम यहाँ पे ब्लैक टी पीते हैं ना, ब्लैक इतना ज्यादा नहीं पीते हैं, मोस्टली ग्रीन टी पीते हैं यहाँ पे। सर्दी में ब्लैक पीते हैं, सर्दी में ब्लैक पीते हैं, गर्मी में ग्रीन। इंडिया में सर्दी और गर्मी हम लोग दूध वाली चाय पीते हैं। तो ये वो लोग पी रहे हैं, उसके बाद हम लोग अभी मैंने ऑर्डर किया है पुलाव, बकरा पुलाव, मुझे जो अच्छा लगता है बकरा वाला पुलाव। और ये लोग, आप लोग क्या खा रहे हैं? कबाब। हमको कबाब पसंद है। कबाब पसंद है आपको भी? कबाब। मैं अभी मेक्सिको में था तो वहाँ पे काफी ज्यादा टाकोस खा रहा था, वो रोटी खा के पागल हो गया था मैं, सोचा चलो चावल खाया था यहाँ पे कुछ। और यहाँ पे बासमती चावल मिलती है एकदम बड़ी वाली चावल, तो अच्छा लगता है यहाँ पे, चलो खाते हैं इस खाने को। हाँ तो भाई बाल वगैरह कटवा वगैरह नाश्ता वगैरह करके अभी हम लोग आए हैं मैकेनिक के पास, गाड़ी को ठीक करवा रहे हैं। गाड़ी को ठीक करवाने के बाद हम लोग अब निकलेंगे किसी एरिया में, मोस्ट प्रोबेबली निकलेंगे पहलगाम की तरफ। ये गाड़ी को ठीक करवाया जा रहा है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ उधर जाके गाड़ी कहाँ से ठीक हो रही है। पिछले 2 घंटे से वेट कर रहा था, और हम लोग गए थे कागज के काम से, तो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग था, समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली कैसे करना है काम, कागज वाला काम भी नहीं हो रहा। ये भाई यहाँ पे मैकेनिक वगैरह है जहाँ से गाड़ी ठीक करवाया जा रहा है, ये भाई गाड़ी, ये भाई सब ठीक कर रहे थे, पूरा एकदम खोल खाल ठीक किया भाई। गाड़ी ठीक हो गई अब? गाड़ी ठीक हो गया, हिसाब करते हुए उसका पैसा देते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, उसके हिसाब से पैसा देंगे वो, इसके बाद हम लोग चलेंगे। ये एक्चुअली पूरा बदला उन्होंने, पता नहीं पूरा एकदम गाड़ी को खोल रखा था, ये कुछ ऐसा हिसाब किताब है अभी। और हम लोग अभी शायद कहीं जाएंगे, और भाई कागज़ वाली बात कर लेता हूँ, किल हुआ क्या
तो हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गए। तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने बोला कि एक टूर कंपनी के थ्रू आपको वो परमिट मिलेगी और टूर कंपनी कुछ भी कुछ पैसे लेगी। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेट सा प्रोसेस है भाई, मतलब इतना इजी प्रोसेस नहीं है, काफ़ी कॉम्प्लिकेट सा प्रोसेस है। टूर कंपनी के बाद इनका पूरा एकदम डॉक्यूमेंट लेगा, जो लोकल है लोकल का डॉक्यूमेंट लेंगे पूरा, डॉक्यूमेंट से बोलेंगे कि आप इसकी जिम्मेदारी लेते हो। भाई मेरे पीछे देखो तालिबान भाई साहब है, बट कोई नहीं, बंद वीडियो बनाता हूँ। भाई मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया, सच कहूँ तो थोड़ा मोड़ा अभी भी मैं तालिबान से काफ़ी हिचके जाता हूँ, डर लगता है तालिबान मेरे पीछे। भाई अमेरिकन राइफल के साथ खड़े थे भाई, M40 क्या कहते हैं वो, पबजी में देखा था भाई सब ये सारे गन, ये तालिबान भाई साहब के पास था, मैं थोड़ा डर गया, मैंने वीडियो बना के मैं अंदर आ गया। हाँ तो बात कर रहा था पेपर की, तो भाई पेपर का क्या हिसाब किताब है कि उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने कहा 3-4 घंटे के बाद आओ, अगर देंगे तो ठीक है, नहीं तो कई सारे ट्रैवलर से मैंने बात की है बिना पेपर के ट्रैवल कर लेते हैं, थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट अगर मैं सबको लोकल रहे तो समझा पाएगा। इनके साथ अगर पेपर नहीं मिला तो भाई क्या करूँ मैं, यहाँ से वापस चले जाऊँ, थोड़ा रिस्क तो ले सकता हूँ, रिस्क लेके थोड़ा ट्रैवल करेंगे यहाँ पे, वो पैसे का हिसाब किताब करके दे रहे हैं उनको पैसा, और थोड़े मुझे पैसे भी चेंज करना, क्योंकि पैसे पता नहीं अलग पार्ट में चेंज हो या ना हो, थोड़े पैसे भी मुझे चेंज करवाने हैं, फिर पैसे चेंज करवाने के बाद यहाँ से निकलेंगे। ये देखो भाई साहब, देख रहे हो तालिबान भाई साहब हैं यहाँ पे। भाई यहाँ पर पैसे बदलवा रहे थे, डॉलर में आपको दिखाया था, भाई डॉलर देना वो डॉलर, ये वाला, ये डॉलर में थोड़ा रंग घड़ है, तो उन्होंने 100 अफगानी कम दिए, मैंने कहा ठीक है 8,700 दिया, आज रेट थोड़ा बेटर है, रोज का यहाँ रेट बदलते रहता है, तो आज का रेट थोड़ा बेटर है, क्योंकि ये पैसे चेंज करवा लिया मैंने, क्योंकि पता नहीं बाहर में कैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सर ले लेते हैं यहीं से भी थोड़ा और। ये अभी गाड़ी ठीक हुई थी फिर वापस से खराब हो गई, ये आपका ही है ना ये सारा पार्ट? नहीं मेरा इधर है राजा। अच्छा अच्छा ये वाला, ये निकल गया पूरा एकदम, ये दोनों निकल गया, ये इसको नया हो गया, एक दूसरा था वो बेसिक काम से गया था, इसको मैं दे दिया। अच्छा अच्छा, ये भाई साहब खोल रहे हैं वापस से, देखो कितना जल्दी हो पाता है ये। तो भाई वापस से आ गया हूँ, ये काबुल हिल मान लो आप, हालांकि इनका नाम पहले चेंज कर दिया था, लेकिन पहले बीबी का मकबरा वगैरह कुछ कहते थे इसके, बीबी का हिल, बट अभी उसका वापस से नाम उन्होंने चेंज कर दिया है तालिबान रिजीम में। यहाँ पर जब मैं आ रहा था तो तालिबान का ऑफकोर्स चेक पॉइंट था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ से हो वगैरह वगैरह, पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखा, सब कुछ सही रहा, एंड मैं आ गया हूँ यहाँ पर। और भाई ये मज़ा मस्त आता है, मैंने मैक्सिको में खाया था भाई ये तीखा वाला अनार, कितने 20 रुपये एक दे दो, नमक है? हाँ नमक, और तीखा है क्या? तीखा मिर्च, मिर्च है? मर्ची वाला, मिर्च नहीं है? नहीं ठीक है, नमक ही दे दो सिर्फ, धन्यवाद भाई जान। चलो पहले इसको खा लेते हैं फिर आपसे बात करते हैं। हाँ तो भाई आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी अफगानिस्तान की, जब मैं अफगानिस्तान आया था, और अभी वापस से इसी प्लेस पे आ रहा हूँ। सिर्फ फ़र्क इस बात का है कि झंडा बदल गया है, पिछली बार यहाँ पे अफगानिस्तान का तिरंगा था, अफगानिस्तान का तिरंगा मतलब तीन कलर का, अब ये है तालिबान का फ्लैग, ये जो पोल और ये झंडा था ये अफगान सबसे बड़ा झंडा था, और इसको इंडिया ने गिफ्ट किया था, बट फिलहाल अब पोल तो सेम यूज़ कर रहे हैं, बस झंडा बदल गया, लेकिन हालांकि झंडा उन्होंने खुद से बनाया है, झंडा इंडिया ने गिफ्ट नहीं किया। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ काबुल का एक शानदार सा व्यू इस झंडे के बाद। भाई जब मैं आ रहा था तो वहाँ पे तालिबान चेक पॉइंट था, तो उन्होंने मुझसे पूछे कि कहाँ से इंडिया से भेजा, दिखाया, और मैंने परमिशन ले ली थी कि क्या मैं वीडियो बना सकता हूँ, उन्होंने कहा वीडियो बना लो, तो फिर यह वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ, वरना मुझे थोड़ा डर लगता है वीडियो बनाने में, मेरे पीछे 3 तालिबान भाई साहब और हैं, बट इनके साथ भी क्या वीडियो बनाऊँ, मतलब मुझे अभी तक जो तालिबान भाई साहब के साथ जो भी 2-3 बार मुलाकात हुई है, मतलब 4-5 बार जो चेक पॉइंट पर होती है बात, तो लोग नॉर्मली पेश आ रहे हैं, ऐसा कुछ है खास नहीं, मुझसे सवाल पूछा वीज़ा दिखाया वो लोग मान गए, बट प्रॉब्लम ये है कि प्रोविंस वगैरह में भाई उनको वीज़ा दिखने ही नहीं आता, पढ़ने ही नहीं आता, तो उनको समझाना पड़ेगा कि देखो ये भाई वीज़ा है, ये पासपोर्ट है, पासपोर्ट क्या होता है, वीज़ा क्या होता है, मुझे वीज़ा का फुल फॉर्म नहीं पता भाई, खुद जो देखना पड़ेगा जाके आज तो उसको समझाना पड़ेगा कि ये है आपके देश में आने की मुझे इजाज़त मिली है तब मैं आया हूँ। और उधर मेरे सामने है टीवी टावर काबुल का, काफ़ी सारा वहाँ पे टावर्स है, जैसे टीवी टावर कहते हैं, टीवी टावर पहाड़, टीवी टावर हिल, और ये अफगानिस्तान का फ्लैग अब थोड़ा सा हवा चल रहा है तो इस तरह लहरा रहा है।
काबुल भाई, क्या नज़ारा दिख रहा है यहाँ से अभी, मस्ती नज़ारा है। और मेरे पीछे ये तालिबान का झंडा दिख रहा है, मस्ती फ्लैग लहराता हुआ। और इस तरफ ये व्यूज़ भी काफ़ी शानदार दिख रहा है भाई। जब मैं पिछली बार आया था तो उन्होंने मुझे एक्चुअली जाने नहीं दिया था इस वाले पार्ट तक, बट अभी तालिबान की गवर्नमेंट में मैं यहाँ पे आ पा रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ तक तो आया था बट यहाँ तक अलाउ नहीं था, तो यहाँ तक नहीं आ पाया था मैं। ये इन्होंने फेंस लगा रखा है और कुछ ऐसा दिखता है फेंस के ऊपर चढ़ के दिखाने के बाद, ये पूरा एकदम सिटी का नज़ारा। और भाई सिटी आपको दिख नहीं रहा होगा, पता नहीं क्या दिख रहा, लेकिन वो सिटी ये पहाड़ों के ऊपर तक सिटी फैली हुई है, तो इतनी बड़ी सिटी है ये भाई। इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, देख के बहुत बुरा लग रहा है। ये व्यू है, इनसे कुछ ले लेता हूँ चाय। हाँ बैठेंगे चाय पियेंगे, और तुम्हारे तुम्हें जानती हूँ कि तुम भी थक गए हो, मैं भी थक गया। ठीक है, एक ऐसा काम करेंगे। क्या चाय पीते हैं क्या भाई? भाई ये कचरा है, कचरा फेंक देना ठीक है, पे कचरा मुझे कहीं दिख नहीं रहा था। खजोनी पार तो पता है ना क्या होता है बच्चा। ये दोनों बच्चे आए चाय बेच रहा है। नो पाकिस्तानी ब्रदर, हिंदी हिंदी, पाकिस्तानी पाकिस्तानी सब लोग मुझे बोल बोल के मैं पागल हो गया, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ भाई। नहीं नहीं, कौन कहता है, तुम इंडिया से, सारा दुनिया इंडिया से प्यार करता है यार, मत बोलो। इंडिया बहुत अच्छा जगह है मेरा। अच्छा, अरजू एक दिन मैं इंडिया जाओ, दिन आप इंडिया जरूर आओगे भाई। जरूर आओ, पैसे भी देने होते हैं भैया, कॉम्पिटिशन देंगे फरहाद भाई। बच्चे तुम करो, अब तुम कब याक दस सही। तो भाई यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे और इस चटाई लेके, और चाय चाय खत्म हो गई या चाय और बची हुई है? चाय बहुत ज्यादा, एक चाय मैं और पी लेता हूँ फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि भाई जैसे यहाँ काबुल में क्या है कि दिन को भाई बहुत गर्म रहती है बट शाम को ठंड हो जाती है यहाँ पे, तो थोड़ी सी यहाँ पे ठंडी आना स्टार्ट हो गई है। जैसे कि टेम्परेचर अभी भाई 24 डिग्री सेल्सियस है और लोएस्ट जाता है भाई रात की 9 डिग्री सेल्सियस। रात को बाहर निकल रहे हो आप तो थोड़ा आपको जैकेट लेकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी 24 डिग्री सेल्सियस है और हाईएस्ट जाता है भाई 27 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब 27 से 9 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब काफ़ी दिन को गर्मी लगेगी रात को ठंडी लगेगी, ये वाला तापमान यहाँ पर है। अभी भी यहाँ पे मैं बैठा हुआ था, ये पूरा देख रहा था मैं यहाँ से बैठ के। ये कुछ टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट, अगर इनको यूज करना है तो कर सकते हो। तो ये है अभी यहाँ पे माहौल, और चटाई पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे चार्ज वगैरह फ़ोन कर रहा था और चाय पी रहा था। एक चाय पीता हूँ फिर यहाँ से निकलता हूँ। तो भाई मैं आ गया हूँ शरीफ भाई के घर, एक्चुअली उनके घर पे आज नहीं रह रहा हूँ, वो कहीं जा रहे हैं तो उनके घर पे रह नहीं रहा हूँ, तो अभी हम लोग किसी होटल में रहेंगे और पता नहीं आज क्या करेंगे। थैंक यू शरीफ बड़ी भाई की होस्ट करने के लिए। आप कभी इंडिया है? मैं आ जाऊंगा। आप आ जाओगे?